नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में हिंदू साम्राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर वर्चुअल बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। मेरठ प्रांत के संपर्क प्रमुख ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा कि विजयी हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन हिंदू पद पातशाही की स्थापना करके सारे संसार में रणभेरी बजा दी थी। आज ही के दिन वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट पर उतर आया। इस हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही पीड़ित का ये कहना है कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट की है, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इतना ही नहीं, दबंगों ने युवक और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित ने मामले की तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नो बिस्सा कुछ झूठ, इस पर इन लोगों ने बार बार कब्जा करते हैं और बार बार हम जब ट्रैक्टर लेकर जाएंगे तो वापस कर देते हैं। उस रात उस दिन ट्रैक्टर लेकर के गए तो इन लोगों ने हमसे लड़ाई झगड़ा करके मतलब धक्का देते हुए ट्रैक्टर वाले को भी इन लोगों ने हटा दिया। वहाँ से मैं वापस आया तो 12 तारीख को इन लोगों ने 11 बजे रात 6-7 व्यक्ति मिलकर के रात 11 बजे। खबर सहारनपुर से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसी के तहत कलेक्ट्रेट परिसर मयम सुरक्षा व्यवस्था का चौक चौबंद किया गया है और प्रत्याशी के साथ अधिकतम 5 लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे। वहीं नामांकन दाखिले के बाद 29 जून तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। SPCT राजेश कुमार ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाले लोगों को चेक भी किया जा रहा है, साथ ही चप्पे चप्पे पर फोर्स भी तैनात की गई है। आपको बता दें कि नामांकन दाखिले के वक्त COVID-19 प्रोटोकॉल का भी पूरा अनुपालन कराया जाएगा। आज जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का नामांकन प्रक्रिया होना है यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय में। इसको लेके चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और इनको सभी जो भी प्रत्याशी है उनको सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी राज्य चुनाव आयोग के निर्देश हैं नामांकन को लेके उसका पालन करेंगे। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन करेंगे। भीड़ अनावश्यक यहाँ इकट्ठा नहीं होगी, इसके लिए पूरा यहाँ। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम TV।